Very good morning, dear learners. I am Preeti Sharma, Assistant Professor of School of Library and Information Science, Uttarakhand Open University, Haldwani. और हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बुक एंड पार्ट्स ऑफ बुक्स. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किताब क्या होती है. व्हाट इज़ बुक? अ बाउंड सेट ऑफ पेपर मोर देन 49 पेजेस इज कॉल्ड अ बुक. मीन्स कोई भी किताब हम उसको कहते हैं जो कि 49 पेजेस को बाउंड करके यानी कि बांध के एक साथ हम लोग अरेंज करते हैं उसे हम बुक कहते हैं. और अगर हम बात करें पम्पलेट की तो पम्पलेट उसे कहते हैं जो कि 49 एक से लेके मतलब 49 से कम यानी कि 48 एक से कि 48 तक के अनबाउंड पेजेस को हम लोग पम्पलेट या फिर पम्पलेट कहते हैं. और मोर देन 49 पेजेस या फिर 49 पेजेस के बाउंड समूह को हम लोग किताब कहते हैं. और इसमें जो 49 पेजेस हैं उसके अंदर हम लोग कवर पेज को नहीं मतलब इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी किताब कहलाती है. और ये डेफिनेशन है बाय जॉन जे पॉल के अनुसार अ नॉन पीरियडिकल लिटरेरी पब्लिकेशन कंटेनिंग 49 और मोर पेजेस नॉट कंटेनिंग द कवर पेज इज कॉल्ड अ बुक. इसमें भी यही बात कही गई है कि असामायिक जो भी ग्रंथ होते हैं उन्हें और जो कि जिसमें कि 49 या फिर मोर देन 49 पेजेस का बाउंड प्रकार से जो समूह होता है उसे हम किताब कहते हैं. और विभिन्न भाषाओं में किताब को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है. जैसे कि स्पेनिश में से लिब्रो कहते हैं, जर्मन में से बुश कहते हैं, और जापानीज में से हम हॉन के नाम से जानते हैं, रोमन्स या फिर फ्रेंच में से हम लीवर के नाम से जानते हैं, स्पेडिस में इसे हम बोग कहते हैं, और वहीं डैनिश में इसे हम बोग BOG यानी कि बोग ग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कहते हैं, और तर्किश में इसे हम किताब कहते हैं, और हिंदी में भी इसे हम किताब कहते हैं. तो ये कुछ मतलब बुक्स को हम किस किस नामों से अलग अलग भाषाओं में जानते हैं तो ये उसके बारे में था. और अब हम इसके बारे में बता दें कि पार्ट्स ऑफ बुक्स यानी कि किताब कितने प्रकार की होती है और इसमें कितने मतलब इसके कितने पार्ट्स होते हैं. तो जनरली बुक्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं कि दो प्रकार की किताबें होती हैं. एक होती है कि हार्ड बाउंड और एक होती है पेपर बैक. तो यहाँ पे जो किताब आपको दिख रही है इस तरह से जिसमें कि मतलब हार्ड बुक मतलब कि जो दफ्ती का पोर्शन नहीं होता है इसमें हल्का सा मोटा पेपर यूज़ किया जाता है जो कि इसका कवर पेज हम कहलाता है. तो वो किताबें उसके वो जो किताबें होती हैं उसे हम हार्ड मतलब पेपर बैक बुक कहते हैं. और ये पेपर बैक का एग्ज़ाम्पल है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, पेपर बैक का एग्ज़ाम्पल है. और वहीं पे अगर हम हार्ड बाउंड बुक की बात करें तो ये हार्ड बाउंड बुक कहलाती है जिसमें कि जो हार्ड शीट का हम लोग प्रयोग करते हैं और एक एक दफ्ती का मोटा रूप कहलाता है तो ये हार्ड बाउंड बुक कहलाती है. और जो ये थोड़ी महंगी भी होती है क्योंकि इससे बुक की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. और जो ये इन पेपर बैक बुक है इसे जनरली स्टूडेंट एडिशन भी कहते हैं क्योंकि ये मतलब सस्ती किताब होती है और इसमें स्टूडेंट एडिशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किताबों का जो प्राइस होता है वो सस्ता होता है. तो ये दो प्रकार की किताबों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा. और अब हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर पार्ट्स ऑफ बुक और इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आउटर पार्ट्स ऑफ बुक्स क्या क्या होते हैं. तो आउटर पार्ट्स की बात करें तो इसको जनरली हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं. एक पहले होता है बुक जैकेट, फिर दूसरा होता है बुक कवर और तीसरा होता है बुक स्पाइन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुक जैकेट क्या होती है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट जो अलग हो जाता है ये बुक जैकेट कहलाता है. और इसका प्रयोग हम लोग जनरली लाइब्रेरीज में मतलब बुक डिस्प्ले या फिर जो न्यू बुक्स आती हैं तो उनको हम लोग जो अरेंज करते हैं न्यू अराइवल्स में तो उसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं. और इस पर जो भी बुक्स की डिटेल होती हैं जो एक ब्रीफ फॉर्म में दी होती हैं कि इसका टाइटल दिया हुआ है और इसके जो पब्लिशर या ऑथर का नाम दिया होता है तो ये सारी डिटेल्स इन ब्रीफ यहाँ पर दी होती हैं. साथ ही साथ इसमें पब्लिकेशन की भी डिटेल दी होती है, ISBN की डिटेल दी होती है. और कहीं कहीं इसमें जो वॉल्यूम्स जितने भी वॉल्यूम्स में ये बुक्स अवेलेबल है तो उन वॉल्यूम्स की भी डिटेल दी होती है. तो ये
बुक जैकेट होता है और इसे हम निकाल के इजली डिस्प्ले के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें मालूम चल सके कि किताबें कौन कौन सी न्यू लाइब्रेरीज में ऐड हुई। तो इसका मेन यूज़ ये होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, तो ये हमारा जो है ये कवर कहलाता है, बुक कवर। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम डिटेल दी होती है, बस ये होता है कि जनरली हम लोग जो मेन एंट्री करते हैं बुक, जो हम लोग कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं, तो उस कार्ड की एंट्री के लिए भी हम इस पेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफ एंट्री के लिए, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स दी नहीं होती हैं। इसमें आपका बुक का नाम, ऑथर का नाम और पब्लिकेशन की डिटेल दी होती है, और साथ में एक बुक जैकेट का ही एक प्रतिरूप कह सकते हैं हम इसे, तो ये बुक कवर कहलाता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ये हमारा स्पाइन कहलाता है, जो कि दोनों जो कवर होते हैं उनको ऐड करता है और बुक को एक रीढ़ की मतलब एक मजबूती प्रदान करता है, और इससे बुक हमारी एक तरह से मतलब सब कहते हैं ना इसको, बुक को मजबूती देता है और बुक को बांधे रखता है, तो ये हमारी स्पाइन कहलाता है। और स्पाइन हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि स्पाइन पे जनरली हम लोग कॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये कॉल नंबर है, और जनरली हम लोग इसको दो अंगुल ऊपर लिखते हैं, 1.25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं दो अंगुल लगभग ऊपर लिखते हैं, एक डेढ़ या दो अंगुल ऊपर लिखते हैं, जिससे कि ये हम लोग जब रैक में अरेंज करते हैं तो ये जनरली ये पोर्शन छुप जाता है, तो ये थोड़ा ऊपर लगाते हैं, तो ये कॉल नंबर हम लोग स्पाइन पे लगाते हैं, और स्पाइन टैग भी कहते हैं, जिसमें कि बुक्स की डिटेल्स दी होती है, और ये बुक की आईडी को रिप्रेजेंट करता है, बुक को कैसे सर्च करें, ये किस रैक में है, इसका ऑथर क्या है, इसका नाम क्या है, इसके और इसका टाइटल क्या है, तो इस सारी चीज़ों को ये कॉल नंबर के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्पाइन लेवल पर अंकित होता है। तो ये बुक के आउटर पार्ट्स के बारे में मैंने बताया, अब हम इसके इनर पार्ट्स पे चलते हैं कि इनर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इनर पार्ट्स जो होते हैं बुक्स के, उसे भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला फ्रंट मैटर ऑफ द बुक्स, और दूसरा है मेन टेक्स्ट, और तीसरा है एंड मैटर। तो बात करें अगर फ्रंट मैटर ऑफ बुक्स की, तो मतलब जो भी हम लोग मेन एंट्रीज में यूज़ करते हैं, कैटलॉगिंग में यूज़ करते हैं किताबों की, जो कॉल नंबर बनाने में, या फिर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं टूलिंग में, या फिर मेन एंट्रीज बनाने में, तो उसको हम लोग फ्रंट मैटर ऑफ बुक्स कहते हैं। और जिसमें कि मेन टेक्स्ट के पहले के जो भी पेजेस आते हैं वो मेन मतलब फ्रंट मैटर ऑफ बुक्स कहलाते हैं, और लास्ट के पेजेस को हम लोग एंड मैटर ऑफ बुक्स कहते हैं। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फ्रंट मैटर ऑफ बुक्स कौन कौन से हैं। तो फ्रंट मैटर की बुक्स की बात पेजेस की बात करें, तो सबसे पहले इसमें आता है कि हाफ टाइटल पेज। तो हाफ टाइटल पेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाफ टाइटल पेज एक प्रकार से संक्षिप्त टाइटल के बारे में होता है, कि इसमें जनरली एक टाइटल दिया होता है, उसे हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में दिया होता है, या फिर कहीं कहीं इसे एक भाषा में दिया होता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इसका हाफ टाइटल पेज है, इसे हम हाफ टाइटल पेज कहते हैं, जिसमें कि केवल ज़्यादातर बुक्स के टाइटल की डिटेल दी होती है, तो ये हाफ टाइटल पेज कहलाता है। इसके बाद आता है कि टाइटल पेज कौन सा होता है, तो बात करें टाइटल पेज की, तो ये हमारा टाइटल पेज कहलाता है, जिसमें कि हमारी बुक की डिटेल, ऑथर की सॉरी उसके ऑथर कौन से कौन है, उनकी पब्लिकेशन क्या है, तो ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही होगी, तो ये हमारा मेन टाइटल पेज कहलाता है। और इसका प्रयोग हम लोग मेन एंट्री जो ACR2 बनाते हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स का जो कार्ड्स बनाते हैं, तो उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर जो मार्क पे हम लोग बुक की कैटलॉगिंग करते हैं, तो उसमें इन डिटेल्स की आवश्यकता होती है, तो ये मेन टाइटल पेज कहलाते हैं, या फिर हम टाइटल पेज कहते हैं। और फिर बात करते हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज, तो ये वर्सो ऑफ द टाइटल पेज कहलाता है, और ये वर्सो ऑफ द टाइटल पेज कहलाता है, ये वर्सो ऑफ द टाइटल पेज कहलाता है, और बेसिकली ये हमारा हम कह सकते हैं इस पे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी होती है। रघुनाथन सर ने भी इस पेज के लिए कहा है कि इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ISBN डिटेल दी हुई है यहाँ पे, जो कि बुक की यूनिक नंबर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ISBN नंबर है, ये एडिशन डिटेल है, ये कॉपीराइट है, और ये पब्लिशर की डिटेल दी हुई है, और ये जनरली हम लोग टूलिंग में भी प्रयोग करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी बुक मतलब लाइब्रेरी की मोहर लगी हुई है, ये हमारा कॉल नंबर लिखा हुआ है, तो ये सारे डिटेल्स हम लोग टूलिंग के लिए और प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेन एंट्रीज की डिटेल होती है उसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये वर्सो ऑफ द टाइटल पेज कहलाता है। तो ये हमारी टूलिंग में साथ साथ मेन एंट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज की, ओवरफ्लोज पेजेस।
इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेडिकेशन पेज क्या होते हैं। तो डेडिकेशन पेज हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे ऑथर होते हैं वो पर्टिकुलर जो बुक्स को किसको समर्पित करते हैं, किसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो उसे हम डेडिकेशन पेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो टू माई बिलव प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस, तो ये कोलन क्लासिफिकेशन की किताब है जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने अपने मैथमेटिक्स के गुरु एडवर्ड बी रॉस को समर्पित किए, तो ये डेडिकेशन पेज कहलाता है। और अब हम बात करते हैं ओवरफ्लोज पेजेस की। तो ओवरफ्लोज पेजेस वो कहलाते हैं जो कि मेन जो टाइटल पेज के पहले या फिर टाइटल पेज के बाद बाद जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे ओवरफ्लोज पेजेस कहलाते हैं। और जैसे कि टाइटल पेज ये है तो इसके पहले का ये जो पेज है हाफ टाइटल पेज और इसके पीछे का पेज और मेन टाइटल के पीछे जो वर्सो ऑफ टाइटल पेज है, ये सारे पेज मतलब जो टेक्स्ट मेन टेक्स्ट के पहले जितने भी पेजेस आते हैं वो सारे आपके ओवरफ्लो पेजेस कहलाते हैं। जैसे कि आपका हाफ टाइटल पेज हो गया, मेन टाइटल पेज हो गया, या फिर जो कंटेंट का पोर्शन हो गया, ये सारे पेज आपका ओवरफ्लो पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है फॉरवर्ड की। तो फॉरवर्ड पेज एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस पर जो ऑथर होता है उसकी डिटेल दी होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड डिटेल है, तो इसमें जो लेखक के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि लेखक के जो मतलब क्वालिफिकेशन या फिर जो भी उसने कृत्य किए हुए हैं तो उनके बारे में उसकी बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो ये फॉरवर्ड पेज कहलाता है। और इसके बाद एक प्रीफेस पेज आता है जिसमें कि जो किताब होती है उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है या फिर जितने कोलैबोरेटर या जो भी सहकारक होते हैं जो उसमें मतलब किताब को बनाने में रोल प्ले करते हैं तो उन सब के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, तो वो प्रीफेस पेज कहलाता है जो कि हर किताब के स्टार्टिंग के पेजेस में मतलब में दिया होता है, तो ये प्रीफेस पेज कहलाता है। और इसके बाद कंटेंट पेज आता है, और कंटेंट पेज में भी मतलब आप देख सकते हैं कि एक प्रकार की चैप्टराइजेशन होता है सिक्वेंस वाइज, और साथ ही साथ उनके टाइटल दिए होते हैं चैप्टर के और उनके पेजेस अंकित होते हैं। और इसके साथ ही आप एक लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन या फिर लिस्ट ऑफ प्लेट्स भी होती है जिसमें कि जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे कि अगर मान लिया कोई यहाँ पे से ये किताब है ये उत्तरांचल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स की किस जो प्लेट्स हैं उनकी वो कहाँ पे अंकित हैं, तो वो लिस्ट ऑफ प्लेट्स कहलाती हैं या फिर उसे हम इलस्ट्रेशन भी कहते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आती हैं। तो उस पर उसकी सूची दी हुई कि किस पेज पर कौन सी प्लेट्स अवेलेबल है, तो ये कंटेंट का ही एक सब पार्ट है। और कंटेंट में थ्योरी होती है और इसमें फोटोग्राफ्स या टेबल्स, जैसे मैथमेटिक्स की किताब है तो उसमें टेबल्स या फार्मूला के जो पेजेस होंगे वो इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आएंगे, तो ये आपका इलस्ट्रेशन और कंटेंट का पेज है। और इसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुक की समरी होती है कि बुक में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, और बुक को एक तरह से ये इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा होगा तो एक ब्रीफ फॉर्म में इंट्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें हैं एक बुक में, तो वो सारे शॉर्ट में डिस्क्राइब होती हैं इंट्रोडक्शन पेजेस में। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक्स के पहले पार्ट्स के बारे में कि जो हमारा फ्रंट मैटर ऑफ बुक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है कि हमारा जो मेन टेक्स्ट है जिसको हम सेकंड पार्ट ऑफ बुक कहते हैं, मेन टेक्स्ट में जनरली हम लोग तीन भाग में इसको भी डिवाइड करते हैं। और मेन टेक्स्ट हमारा जो भी इंट्रोडक्शन के बाद जो भी पेजेस आते हैं वो हमारे सारे मेन टेक्स्ट कहलाते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, मैं यहाँ पे एनेक्सियर मैड ने ऐड नहीं किया, लेकिन कई किताबें ऐसी होती हैं जो कि एनेक्सियर भी दिया होता है जिसमें कि मान लिया कि इसके ये किताब है हमारी 7 एडिशन में पब्लिश है, तो इसमें हमारा जो 6 एडिशन के 3 बार रिप्रिंट कराए गए हैं जो कि एस आर रंगनाथन सर की कोलन क्लासिफिकेशन किताब है, तो इसमें जो कि पहले संशोधन हो चुके हैं तो उसको एनेक्सर में दिया होता है। और एक प्रकार से हम कहते हैं कि इसमें संशोधन जो भी चीज़ें इसमें संशोधित फॉर्म में अवेलेबल हैं तो वो इसमें आपको एनेक्सर में देखने को मिलेंगी, तो ये एनेक्सर का पार्ट है। और उसके बाद जो पेजेस आते हैं वो सारे हमारे मेन टेक्स्ट कहलाते हैं, एंड और एंड मैटर के पहले और इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी पेजेस आते हैं वो हमारे मेन टेक्स्ट कहलाते हैं।
और इसमें मेन टेक्स्ट को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया है, मेन टेक्स्ट, रनिंग टाइटल और कैप्शन टाइटल। तो बात करते हैं कि रनिंग टाइटल क्या होता है। तो रनिंग टाइटल आप देख पा रहे होंगे, रनिंग टाइटल हमारा जनरली टाइटल जो होता है मेन टाइटल, उसको हम लोग लेफ्ट साइड के पेज में ऊपर ऊपर हम लोग हर पेज के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तराचल हिस्टोरिकल एंड कल्चर पर्सपेक्टिव, ये टाइटल है किताब का और ये प्रत्येक पेज के लेफ्ट साइड आपको दिखाई देता है। तो ये हमारा मतलब रनिंग टाइटल कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कैप्शन टाइटल। तो कैप्शन टाइटल एक प्रकार से हम कहते हैं चैप्टर का जो नाम होता है उसे हम लोग कैप्शन टाइटल कहते हैं। और कैप्शन टाइटल आपको यहाँ पे मतलब जो प्रत्येक चैप्टर के, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 1 स्टार्ट होगा तो चैप्टर 1 का लैंड एंड द पीपल है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक प्रत्येक पेज के राइट साइड पे ये आपको लैंड मतलब जो टाइटल का टाइटल होगा उस चैप्टर का वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे लैंड एंड द पीपल ये पहला चैप्टर है, तो इसके प्रत्येक चैप्टर जब तक ये ख़त्म नहीं होता है उसके प्रत्येक चैप्टर के दाएं पेज पे आपको ये टाइटल दिखाई देगा। तो ये हमारा कैप्शन टाइटल कहलाता है। और ये इसका जो रोल होता है कि ये हमारे मतलब जो हमारी एनालिटिकल एंट्री होती है, एडिट एंट्रीज होती हैं AACR2 की, उसको बनाने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें रनिंग टाइटल का क्या रोल होता है, तो रनिंग टाइटल जैसे कि सपोज हमारी किताब का पहला पेज फट गया या कोई हम उस बुक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो रनिंग टाइटल की मदद से हम उस पेज उस बुक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किताब कौन सी है। तो ये रनिंग टाइटल का मतलब रोल होता है। और मेन टेक्स्ट की बात करके मेन टेक्स्ट का रोल क्या होता है, तो मेन टेक्स्ट के हिसाब से ही हम लोग बुक्स को बुक को क्लास नंबर देते हैं कि बुक किस सब्जेक्ट की है, क्योंकि बुक के मेन टेक्स्ट के माध्यम से ही हम समझते हैं कि ये बुक किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मेन टेक्स्ट के बारे में था कि मेन टेक्स्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएँ होती हैं। और बात करते हैं एंड मैटर की, तो एंड मैटर को जनरली हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स क्या होता है, उसके बाद होता है इंडेक्स, उसके बाद बिब्लियोग्राफी और उसके बाद कोलोफोन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को हम लोग हिंदी में परिशिष्ट बोलते हैं। और अपेंडिक्स जनरली हम लोग मतलब कई तरह से देख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी होती है या फिर ग्लॉसरी फॉर्म में भी होती है। अपेंडिक्स एक प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक प्रकार से जो बुक्स में कुछ टर्मोलॉजीज दी होती हैं उसे मतलब उसका टर्मोलॉजी का नाम और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ में दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अपेंडिक्स का एक पार्ट है जो कि ग्लॉसरी फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये मतलब एक बोल्ड में कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे, तो ये मतलब इस लेटर को इस 2 लाइन में डिफाइन किया हुआ है, मतलब इन ब्रीफ में। तो ये ग्लॉसरी कहलाती है। और ग्लॉसरी ही अपेंडिक्स का एक पार्ट है। ग्लॉसरी या टेबुलर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो ये एंड मैटर का एक पार्ट है। और इसके बाद तो इसमें इंडेक्स आती है। तो इंडेक्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कंटेंट होता है, उसी प्रकार लास्ट में एक हमारे पास इंडेक्स होती है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है। और उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उसका मतलब उसका टाइटल दिया होता है, साथ ही साथ उसका वो किस पेज पे अवेलेबल है तो उसकी पेज डिटेल भी दी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे इंडेक्स को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से स्टार्ट है और ये आपकी ABC और इस तरह से आपको ये H तक, मतलब ये पूरा जहाँ तक हमारे Z तक ही जा रही है। तो इंडेक्स मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है और उस पर्टिकुलर टर्म का नाम और वो पेज किस पेज पे अंकित है, तो वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंडेक्स से देखने को मिलती है। तो ये एंड मैटर का एक पार्ट है जो कि इंडेक्स कहलाता है। और इसमें ही नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी, जो कि मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसमें जो भी जहाँ से हम बुक को बनाने के लिए जो भी आइडियाज़ लेते हैं, जो भी थॉट लेते हैं, जो भी कंटेंट लेते हैं, तो उनकी डिटेल्स दी होती है उसमें, ऑथर की डिटेल और पब्लिकेशन की डिटेल, डेट ऑफ पब्लिकेशन और सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संदर्भ सूची, यहाँ पर एक ये संदर्भ सूची है जो कि बिब्लियोग्राफी कहलाती है। और इसे रेफरेंसेस के भी कह सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे मतलब ये किताब का नाम दिया हुआ है, इसके ऑथर के नाम दिए हुए और इसकी पब्लिकेशन की डिटेल आपको देखने को देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये बिब्लियोग्राफी है। और
मतलब जो कि रेफरेंसेस के फॉर्म में होती है, कि हमने जो बुक्स तैयार की है उसको मतलब उसके जो आइडियाज़ हैं, जो भी कंटेंट है, जो थॉट है, वो कहाँ से लिए हैं, तो ये सारे उनको हम रेफर करते हैं, उनको मतलब एक तरह से संदर्भ सूची में उसको संकलित करते हैं, तो ये बिबलियोग्राफीज होती है। और इसके बाद आता है लास्ट पार्ट जो कि कोलोफोन कहलाता है। कोलोफोन एक प्रकार से हम कहते हैं जो पब्लिकेशन की डिटेल होती है या फिर प्रिंटिंग की डिटेल होती है, कि प्रिंटिंग में कौन, प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या है और वहाँ का प्लेस क्या है और वो किस डेट में पब्लिश हुई है, तो वो सारी डिटेल कोलोफोन के अंतर्गत आती हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी डिटेल है ये कोलोफोन का ही एक पार्ट है, और कभी कभी एक मतलब एंड मैटर पे दिया होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है किसी बुक में, तो मैं आपको इसको मतलब आपको मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ये कोलोफोन का ही एक पार्ट है, जो कि मतलब जिसमें कि प्रिंटिंग की डिटेल दी होती है कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या है और ये किस डेट में प्रिंट हुआ है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि बुक क्या होती है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं डिटेल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस जो किताब होती है, तो जब हम लोग मेन एंट्री बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जो सीक्रेट पेज कौन सा होता है, डेट स्लिप हम लोग कहाँ चिपकाते हैं, बुक पॉकेट क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।